वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में ऐसा कुछ खास है नहीं, एक्चुअली घर पे ही है। बस यही है, ये जो घर की तैयारी चल रही है, ये फ्रेम जो दिख रहे हैं ना, के लिए फ्रेम आपने थंबनेल में देखे होंगे लास्ट वीडियो के, पर वीडियो में नहीं थे तो फ्रेम की भी अलग ही स्टोरी हो गई थी। टाइल्स करके लगानी थी, बट प्रॉब्लम ये था कि जब हमने ऑनलाइन वगैरह चेक किया तो सारा $150 ले रहे थे 8-10 फ्रेम के। और हमने कहा रहने दो यार, हम जाके फ्रेम लेके आए वो गेट दुबई से, फोटो प्रिंट कराए अलग से, साथ में लेके आए वो टेप होती है बोथ साइड ग्लू टेप, वो लगा के हमने खुद से जुगाड़ करके कर लिया। सही लग रहा है एकदम मस्त। बाकी तो क्या है, बाकी तो सब चल रहा है। मीनवाइल एक चीज मैंने खरीदी भी, मैंने सोचा था इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा बट कर नहीं पाया था। ये खरीदा मैंने, ये मार्शल का एक स्पीकर खरीदना चाह रहा था ये, मैं बहुत टाइम से मेरी नजर थी इस पे, बट बहुत महंगा मिल रहा था दुबई में, तो इंडिया में भी महंगा था, दुबई में महंगा था। ऑल ऑफ सडन मेरे को उसका अमेजोन यूके से कुछ ऑफर टाइप से मिला, अमेजोन यूके में मुझे थोड़ा सस्ता मिल गया, तो फिर मैंने समय ले खरीद ली। यूज कब करूंगा मुझे पता नहीं, मेरे को बस लेना होता है, मेरे को कुछ चीजें होती है बस लेनी होती है, वही लेनी होती है तो ले ली। हल्का फुल्का तैयार हो रहा है, कहाँ जा रहा है वो परफ्यूम कैसे लगाते हैं मुझे जूते लेने परफ्यूम कैसे लगाते हैं मैं भी लगाऊंगा ये लग गया लग गया लग गया उनको मुड़ा और उसके क्रॉस कर लो, लग गया परफ्यूम। पीछे से रोशनी आती है, पर्दा लगा के रखना पड़ेगा वीडियो बनाते वक्त, वो क्या क्वालिटी खराब हो गई थी, ग्रेन्स दिखते हैं मेरे को यही दिखने लग जाते हैं, आपको तो परमानेंट ही दिखेंगे। अब ठीक है, मेजरली तो जूतों की शॉपिंग करने जा रहे हैं। क्या हुआ था एक्चुअली, पहले थोड़ी लाइट जला लेते हैं। क्या हुआ था एक्चुअली, अब बनी कोई बात, रोशनी ही रोशनी। क्या होता है एक्चुअली, मैं कल क्रिकेट खेलने गया और भाई साहब ये जूते घसे हुए वैसे तो काफी हद तक, ये तो घसा हुआ था ही, कल खेलते खेलते इसमें मोरा हो गया तो पूरा ही निकल गया। मैंने बहुत घसाया ये, मैंने 4-4.5 साल पहले लिए थे, बढ़िया चले मतलब कंफर्टेबल शूज। तो अभी देखते हैं, एक दो ट्राई करेंगे, मैं ज्यादा टाइम लेता नहीं वैसे शॉपिंग करने में, ट्राई करता हूँ जो सही लगा बस तभी के तभी ले खत्म करो। ओ जा यार ऐसा, मतलब मेरे को चीज पसंद आनी चाहिए तो मैं जल्दी खरीद लेता हूँ, फिर उसके बाद कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं होता कि अब और देख लेते हैं या कुछ और रिसर्च कर लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं मॉल जूते खरीदने। ये देखो मॉल में आने के बाद पहले बातें फोड़ी जा रही हैं, जिम ज्वाइन करने की प्लानिंग हो रही है। कौन ज्वाइन कर रहा है, सेम जगह? सबसे पहले खाने वाला प्रोग्राम खत्म कर लेते हैं जो कि बॉम्बे चौपाटी से होगा। खाने में भी हम खा रहे हैं स्टाफ मील, थैंक्स टू प्रिया, सस्ती मील मिल रही है और साथ में मिलेंगे गोलगप्पे, रोटी हमने एक्स्ट्रा ले ली। अभी खा पी के हो गए फ्री, अभी हम जाते हैं स्केचर्स, मतलब कभी से मैं ये बोल रहा हूँ जूते लेने। हाँ भाई मिलता है भाई वहाँ, ये सारे लोग बबल गम खा रहे हैं क्या? तो यहाँ स्माइलियाँ आ गई तो पहले फोटो खिंचा लेते हैं, जो काम है वो पता नहीं कब होगा। चलो जी पहुंच गए स्केचर्स। हाँ जी, ओ नहीं यार मेमोरी फोम है यार और लाइट वेट भी है, पर लेस नहीं है यार, लेस चाहिए चाहिए। अच्छा लग रहा है वैसे, जूता कैसा लग रहा है तुमको? ठीक लग रहा है, जूता पहन के कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे, बताओ यार। अच्छा लगाना है, आपको भी अच्छा नहीं लगाना यार भैया, इसको कंफर्टेबल चाहिए यार। क्या दोगे कंफर्ट, आपको कंफर्ट हो और ये दोनों साथ में मिल रहा तो मजा नहीं आ रहा? लग नहीं रहा, अच्छा लग नहीं, क्योंकि ये ऐसा है देख, लग रही है पागल। चुपचाप बैठ के चलो जाओ यार, इधर देखो इसमें दौड़ नहीं पाओगे, दौड़ के देखो वहां से यहां तक। अरे ऐसे एक बार में सब सही लगता है, बस दौड़ मत जाना कहीं। अच्छा लग रहा है पर तू ले ले, यस तो कोई बात बनी नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा पर इसने खरीद लिए जूते अपने लिए। Now we'll be checking something in Sun and Sands. चलो यहाँ भी देख लेते हैं, ये पहले ट्राई किया और इट्स वेरी कंफर्टेबल। ये प्रिया ने बोला अभी ये ट्राई करना है, इसका साइज नहीं आया, ये कंफर्टेबल लग रहे हैं, ये फाइनल करेंगे। थैंक यू, ये काम भी हो गया, मोटे के जो पसंद आए वो जूते नहीं ले गए, मोटा काफी हताश इसी बात से। नहीं वो क्या है, नॉर्मल तुम आते ही नहीं ना पसंद कभी।
हाँ ये भी बात सही है, तुमने पहले कुलर अंडर आर्मर का लेने तो अंडर आर्मर का ही है। हाँ सही है ना, तो एटलीस्ट पहनूंगा खुश हो के। चलो जी अभी निकलेंगे मॉल से वापस घर की तरफ, गाड़ी में तेल भी डलवाना, गाड़ी में तेल नहीं था बिल्कुल। हाँ जी तो फाइनली हम लोग घर पर पहुंच गए, घर में अभी थोड़ी सफाई हुई है तो पूरा गिल्ला गिल्ला हो रखा है, तो पोछे की रिस्पेक्ट करते हुए थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। और क्या, और लास्ट वीकेंड क्योंकि हम यहाँ घर में शिफ्ट हुए अभी रिसेंटली, तो एक छोटी सी यू नो हाउस पार्टी भी रखी थी हमने, सबको बुलाया था, वीडियो नहीं बनाया उस दिन क्योंकि बहुत लोग थे, 15-16 लोग थे तो बहुत ज़्यादा था, तो उसके कुछ फोटोज अभी आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पे। खाना वाना बनाया था मोटे ने बहुत भर भर के, तो वो कुछ ऐसा रहा। तो बस इस प्रकार से समय निकलता जा रहा है, समय चलता रहता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता एनीवे। और अभी हम देखेंगे डिनर में क्या कार्यक्रम है। तो सब्जी बनी है कचालू कम हरियाली, कुछ तो आ रहा है, अपने कचालू कचालू खा सकते हैं। चलो जी फटाफट से डिनर करेंगे, एनीवेज डिनर तो हम कर ही लेंगे, चेंज वेंज भी कर लिया आगे, थोड़ा फ्रेश फ्रेश भी हो गए, अभी यही करने का कुछ है नहीं, मोटा ऑलरेडी थक के लेट गया यहाँ पर, खाना खाएंगे अभी और दैट्स इट, और तो क्या ही करना है, सो जाएंगे फिर। तो बस व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म, इस वीडियो करेंगे यहीं पर ख़त्म, पीछे मुदियाला जी गद्दे रखे हुए अभी तक लेके नहीं गया वो, तो दैट्स इट, व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जब सब्सक्राइब करें तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, अच्छा नहीं लगा तो शेयर करें, क्योंकि अगर आपको नहीं तो आपको जाने वाले को जरूर पसंद आएगा। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।